पूरा कर लिया जाए। परिवार ने आशंका जताई है, जो पीएम रिपोर्ट है उसमें भी उनको देखिए, पहली बात है कि परिवार को कंपनसेशन मिलना किसी की खैरात नहीं है। ये हम उत्तराखंड के नागरिक हैं और नागरिक हक है, कोई खैरात कोई नहीं दे रहा है। दूसरी बात है कि महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अंकिता को न्याय मिले, और न्याय कैसे मिलेगा जब सबूतों के साथ खिलवाड़ हो गया, सबूतों को नष्ट कर दिया गया, तो न्याय कहाँ से मिलेगा। मैं आज हम सब लोग, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी और मैं स्वयं आज पीड़ित परिवार को मिला और मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की है कि वो एक एप्लीकेशन दें कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो उनको सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है और हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि सरकार किसी वीआईपी को बचाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ सरकार के इशारे पर हुआ है, और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए जिन्होंने सबूतों को नष्ट किया, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। सबूत खत्म कर दिए तो कोर्ट में कहां टिकेगा मामला, आप बताइए ना। उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कोर्ट में केस को जीतने के लिए सबूत चाहिए, और जब सबूत ही खत्म हो गए हो तो फिर केस कैसे जीता जाएगा। इसलिए जिन्होंने केस को कमजोर करने के लिए सबूतों को समाप्त किया, उन पर भी केस चले और इसकी तमाम जो जांचें हैं वो सीबीआई को सुपुर्द की जाए और कोई न्यायाधीश महोदय के देखरेख में जांच हो, तब हम इस जांच पर विश्वास करेंगे। और अन्यथा इस बेटी को, मुझे नहीं लगता कि सरकार की ऐसी मंशा है कि इस बेटी को न्याय मिल सके। पत्रकारों को भी धमकी मिलने लगी है, किस तरह से दिखता है? दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने कल एक राष्ट्रीय चैनल में चर्चा चल रही थी और मैंने वहां पर भी बताया कि कितना अपराधियों के कितना मनोबल उनका बढ़ा हुआ है कि वो घटना को अभी परसों ही अंत्येष्टि हुई और कल धमकी आ गई कि खबरदार वो तो छूट जाएगा जल्दी, लेकिन तुम्हारा भी हम काम तमाम कर देंगे जल्दी। ये क्या बात हुई भाई, कहां सरकार को उन पत्रकारों को सुरक्षा देनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में सरकारें चुनी जाती हैं, जनता के हित के लिए चुनी जाती है, जनता के मनो के अनुरूप, जनता के मनोरूप सरकार अगर काम करेगी तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। कंपनसेशन देना ये तो सरकार की ड्यूटी है, देना ही पड़ेगा कंपनसेशन, लेकिन उस बालिका को न्याय मिले और जो लोग इस आवाज को उठा रहे हैं उनको सुरक्षा मिले, ये हमारी सरकार से मांग है। करण जी।